सबा ने शेयर की अपनी और सनी की लव स्टोरी, बताया क्यों छुपाए रखा रिश्ता, शादी तक पहुंचना रहा मुश्किलों भरा। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबा इब्राहिम ने जब से अपनी शादी का जिक्र किया था और ये बताया था कि उनकी लाइफ में कोई है, तब से फैंस जानने को एक्साइटेड थे कि वो शख्स कौन है। अब सबा और शोएब ने अपने व्लॉग में सनी को इंट्रोड्यूस किया, जिनका नाम खालिद नियाज है और सब प्यार से उन्हें सनी कहकर पुकारते हैं। सबा ने रीसेंट व्लॉग में अपनी लव स्टोरी शेयर की। सबा ने कहा कि जब सनी साथ होगा तो अच्छी तरह बताऊंगी, पर अभी थोड़ा बता देती हूँ। सनी मौदा से है और जब मैं सनी से मिली थी उस वक्त उसने दिल्ली की जॉब छोड़ दी थी और कुछ नहीं कर रहा था, पर मैंने उससे बोला कि देखो शादी करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भाई शादी के लिए नहीं मानेंगे। भाई को बस यही था कि ज्यादा ना सही पर लड़का अपना और मेरा खर्चा तो निकाल ले, क्योंकि भाई ने सब दिन देखा है इसलिए वो बाकियों की तरह नहीं सोचते हैं। उसके बाद सनी दुबई गया, वहाँ उसको इंग्लिश नहीं आती थी, अरबी नहीं जानता था और कंप्यूटर पर काम करना होता था। मौदा में उसके खेत हैं, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, पर मेरी वजह से, और फिर वो 2 साल बाद वापस भी आ गया। ऐसे में उसने बहुत मेहनत की है, फिर हमने घर वालों को मनाया है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है और ये सब करते करते 7 साल लग गए। और अब जब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, तभी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि ये सबकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है और हमने तो काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। वेल, क्या कहना है आपका सबा और सनी की लव स्टोरी पर, हमें कमेंट्स के ज़रिए ये ज़रूर बताएं।